अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार जाइए लाइन का हो गया हाँ हो गया होगा। आप वो वोटर आईडी तो दिखाओ भैया। प्रदीप चौधरी राजू दादा, आपने लाइन में लग के मतदान किया, बहुत अच्छा लगा। किस तरह से मतदान किया और क्या रुखे बताएं आप? जय श्री गणेश, जय श्री सिद्धि विनायक। बहुत मतदान सबका अधिकार है और मैं आपके माध्यम से सभी आम जनता को निवेदन करता हूं कि अपना मत का दान जरूर करें और अच्छे उम्मीदवार को चुनें। जी, आपने मतदान करा, आपके मोहल्ले में बड़ी उत्साह थी, बड़ी भीड़ आपके साथ आई थी, तो क्या लग रहा है ये मतदान जो प्रक्रिया कितनी तक जाएगी? मतदान अब मतदान जाएगा देवास में 80-85% लग रहा है आपको? मैं अरे बिल्कुल लग रहा है। चलो आप बस जाना। बस करिए, चलो बस बस आप थोड़ा इधर आ जाइए क्योंकि हमारे भी का प्रयोग किया। आप पहुंचे हैं जो वशिष्ठ कपूर को लिखते बूथ है, क्या कहना चाहेंगे मतदान को लेकर, क्या प्रतिक्रिया? मतदान एक ऐसा अधिकार है जो सभी ने उपयोग करना चाहिए क्योंकि हमारी लोकतंत्र में ये सुविधा दी गई है और उसी का मताधिकार यूज करने के लिए मैं यहाँ आई थी। मैंने मतदान किया है और आप लोगों के सामने हूँ। अच्छा, आपने क्या लाइन में लगकर मतदान किया है, उसको क्या कहना है? वो प्रक्रिया है, वो जिस तरह से होना चाहिए वैसा ही किया है। वोटिंग की इस बार युवाओं ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, सुबह 7 बजे से तरह से मतदान चालू हुआ, उसके बाद युवा वर्ग एक साथ बाहर आया, क्या कहना बात का? बहुत अच्छी बात है कि युवा वर्ग में उत्साह है कि हमारा राष्ट्र कैसा हो, हमारा नेता कैसा हो, हमारी सरकार कैसी हो, इसको तय करने के लिए अगर युवा आगे कदम बढ़ाते हैं तो बहुत ही सकारात्मक बदलाव है देश में। सरकार की क्या मतलब आपकी उम्मीद है? मैं उम्मीद नहीं, गारंटी के साथ बोल सकती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और बहुत अच्छा काम करेंगे। मतदाताओं को क्या कहना चाहेंगे? मतदाताओं से यही अपील है, हम लोगों ने अपनी बात रख चुके हैं मतदाताओं के सामने। मतदाता से अपील करना चाहूंगी, ज्यादा से ज्यादा संख्या में निकलें और मतदान करें। देवास में हॉट सीट बनी हुई है जी, जिले में हॉट सीट है देवास, ऐसा कहना है इनका। आप लोगों ने बनाई है उसे। सलमान बताइए, आज लोकतंत्र का इस महापर्व में आपने मतदान करने यहाँ आए थे, तो क्या लोकतंत्र के इस महोत्सव में हमने भी हिस्सा लिया? निश्चित रूप से आज लोकतंत्र में हमेशा जनता को मताधिकार का जो अधिकार मिलता है, हम सब भारतवासी मध्यवेशवासी यहाँ पर हम लोग अपने मत का उपयोग करते हैं और अपनी मनपसंद की सरकार चुनते हैं। मैं आह्वान करना चाहता हूँ देवास के, पूरे देवास जिले के सब साथियों से कि वे ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें, क्योंकि हमारा अधिकार है, कहीं हम इससे चूक न हो जाए, आने वाला भविष्य हम तय करते हैं इस मतदान से। मैं आह्वान करता हूँ कि सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें। जय हिंद। देवास में अभी 9 बजे तक देखने में आया कि 10.5% ही मतदान हुआ है, क्या बोलना चाहेंगे? यह सच है कि इस बार उत्साह की कमी लग रही है, पर मुझे ऐसा लगता है कि चूँकि समय इस बार चुनाव आयोग ने बढ़ा दिया है, 1 घंटे की बढ़ोतरी की है, शाम को 6 बजे तक का समय है, और चूँकि ये इंडस्ट्री एरिया भी हमारा माना जाता है, कई जगह पे प्राइवेट दुकानें भी चालू हैं, बहुत सारा काम है, तो ऐसा मैं मानता हूँ कि दोपहर तक स्पीड बढ़ेगी और 70-75% तक मतदान हो जाएगा। कई कंपनियों ने अभी छुट्टियाँ भी नहीं रखी है, बहुत सारों ने क्या हाफ डे दिया है, क्या इस संबंध में मेरी कलेक्टर महोदय कल चर्चा हुई थी,
उन्होंने आदेश जारी किए थे कि संपूर्ण इंडस्ट्री एरिया बंद रहेगा, कोई अगर कंपनी ऐसा करती है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ठीक, आपका नाम? मनोज राजानी, जिला अध्यक्ष कांग्रेस। ठीक भैया, बताएं, लोकतंत्र का आज महापर्व है, मध्य प्रदेश में मतदान हो रहा है, क्या मानते हैं आप? देखिए, 5 साल बाद विधानसभा के चुनाव, आज वोट पड़ रहे हैं और एक लहर कांग्रेस के पक्ष में देखने को मिल रही है। वो इसलिए है कि 18 साल से एक ही व्यक्ति, एक चेहरा शिवराज चौहान में मध्य प्रदेश की जनता उठ गई, उनके झूठ से परेशान। सरकारी कर्मचारी यदि भोपाल बाजी मांगों के लिए जाता तो लाठी, किसान को मूल्य नहीं मिल रहा, उसका नौजवान बेटा परेशान। कहीं कोई मतलब चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल, कोई दूर दृष्टि शिवराज चौहान की है। मेरे प्रदेश का नौजवान ठगा हुआ महसूस कर रहा, तो नौजवान लोग निकल के मतदान में बड़ी संख्या में आ रहे हैं। गाँव में किसान, ये दोनों जब बदलाव चाहते हैं तो निश्चित रूप से बदलाव होता है। नई सरकार, अच्छे माहौल के बीच मध्यप्रदेश से कुछ अप्रिय घटनाएं भी सामने आ रही है भैया, इस पर क्या कहेंगे आप? हाँ, अभी मुझे खबर लगी है मुरैना में नरेंद्र सिंह तोमर साहब जिन्नी से लड़ रहे हैं, तीसरे नंबर पर पोजीशन पर आज की तारीख में है, हार दिख रही है तो अपने समर्थकों की बंदूकें निकला ली। अभी कांग्रेस के एक कार्यकर्ता को गोली मारी गई है। छतरपुर में हमारे प्रत्याशी हैं MLA नाती राजा, उनके ड्राइवर की हत्या कर दी। महू में तलवारें निकली, इंदौर राव में रात से झगड़ा चल रहा है। देवास में मैंने एक वीडियो देखा, वर्तमान जो महारानी साहब है विधायक का, उनके समर्थक रात से ही लोगों को मार मार के बुलेट पर उठा उठा के उनको घूमने ले जा रहे हैं। भय और आतंक के साय में चुनाव कराना चाहते हैं। उसके बाद भी कांग्रेस का कार्यकर्ता मुस्तैदी से खड़ा है और सरकार बन गई। सरकार बन गई, कितनी सीट अब की बार हुई? मैं समझता हूँ 145 से 150 सीट का आंकलन मेरा है, क्योंकि जनता खुद चुनाव लड़ रही है कांग्रेस के साथ, तो एक बड़े बदलाव की उम्मीद। मान लीजिए मैंडेट मिलता भी है तो क्या इधर से उधर अब की बार कोई नहीं जाएगा? नहीं, देखिए वो मैंने पहले भी कहा कि जो सरकार हमारी बनी थी और गिरी, तो वो विधायक नहीं थे जो जीते, वो बंधुआ मजदूर थे, राजा महाराजा के वहाँ कोई गाय चराता था, कोई ड्राइवरी करता था। कांग्रेस से उनको टिकट दिला दी, राजा महाराजा ने कांग्रेस चुनाव में जीत गए, वो बंधुआ मजदूर थे, विधायक एक भी नहीं थे। सोनकच कितने वोट थे? हजारों हजारों, बढ़िया माहौल, आश्वस्त पूरी तरीके से। देवास विधानसभा को लेकर के क्या कहें? अब मैं तो सोचता हूँ कि पांचों विधानसभा जीतना चाहिए। यहाँ भी जिस तरह शिवराज से उग गए हैं, यहाँ भी महारानी साहब और उनके परिवार से उग गए हैं। एक अलग भय का वातावरण है, अभी गुंडा माफिया, शराब माफिया, जुआ माफिया, भगवान जाने इस देव की नगरी को किस तरह का वातावरण इन लोगों ने दे दिया। देवास से किला लड़ाने प्रदीप चौधरी उतरे, क्या कहें? हाँ, प्रदीप लड़ रहा है, होनार जुनूनी है हमारा, जो दृढ़ इच्छा शक्ति वाला है और राज की जनता ने इसे जिताना चाहिए, बदलाव चाहिए तो इस तरह के लोग आना। मध्य प्रदेश में बदलाव पक्का है? पक्का बदलाव है। लोकतंत्र का महापर्व है, क्या कहेंगे? देखिए, आज लोकतंत्र का महापर्व है और कांग्रेस प्रचंड बहुमत से जीतने जा रही है, तो इस बार जनता ने मूड भी बना लिया है। जनता का कहना है भाजपा की नीयत में खोट, भ्रष्टाचार पर करारी चोट, अब की बार कांग्रेस को वोट। तो मैंने तो अपना वोट दे दिया है, क्या आप लोगों ने अपना वोट दे दिया है? आप भी प्रारंभिक रुझान है वो बदलाव के लिए है। मध्य प्रदेश की जनता कमलनाथ जी के विजन और शिवराज जी के कुशासन से कहीं न कहीं प्रभावित है। उनको लगता है कि कमलनाथ एक विजन के साथ प्रदेश को चला सकते हैं और शिवराज जी का ये जो जनवर है पिछले 5 साल का, ये कुशासन से भरा भरा है, इसमें भ्रष्टाचार, अत्याचार, सारे ऐसी बातें जो जमीन पे नहीं हो सकती थी, वो करने का प्रयास शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में किया गया। जनता परिवर्तन के साथ, मैं खुद चुनाव लड़ रहा हूँ, इतना भारी परिवर्तन नहीं मिल रहा है, इतना सारी जनता खुद चुनाव लड़ रही, पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही, मुझे ऐसा लग रहा है। हमारे साथ बच्चे, बूढ़े, महिलाएं, सबके साथ चल रही है।